स्वागत है आप सबका सीजीआर यूट्यूब चैनल पर। आज हम एसएससी एमटीएस का कट ऑफ और एसएससी एमटीएस का पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे। किस तरह से आपकी एग्जाम होती है, कितने मार्क्स के लिए आपको ईच सब्जेक्ट होता है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, तो हम एसएससी एमटीएस का कट ऑफ डाटा देखेंगे 2023 और 2021 का, यहाँ पे आप देख सकते हो। और एमटीएस का पेपर पैटर्न, एसएससी एमटीएस और हवलदार का पेपर पैटर्न हम यहाँ पे देखेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे कट ऑफ देख रहे हो, ये कट ऑफ रहेगा 2023 का। ये जो पेपर हुआ था वो आउट ऑफ 150 हुआ था। आपका जो सेक्शन 2 होता है उस सेक्शन में आपको मार्क्स मिलते हैं, उसी मार्क्स पे आपकी मेरिट लगती है। सेक्शन 1 आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, वो आपको क्वालिफाई करना होता है। 12 मतलब एटलीस्ट आपके 12 क्वेश्चंस सही आने चाहिए, तब आप क्वालिफाई करते हो। पूरा आपकी जो पोस्ट मिलने की डिपेंडेंसी है वो पूरी की पूरी जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश में है, तो आपको पढ़ाई सबसे ज्यादा इन दो सब्जेक्ट की करनी है और सबसे ज्यादा वक्त ये दोनों सब्जेक्ट पे देना है। चलिए तो यहाँ पे देख सकते हो 150 का आपका पेपर रहेगा। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 50, ईच क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप रिजर्व का अनरिजर्व का कट ऑफ देखोगे तो कट ऑफ गया है 154। तो आप मुझे बोलोगे कि मैम पेपर तो 150 का है, ओके मार्क्स तो मिलने वाले हैं क्योंकि हमारा कट ऑफ 150 का लगा है, 150 में से हमारा कट ऑफ लगा है, तो कैसे पॉसिबल है कि 154 का कट ऑफ लगे, 5 मार्क्स फॉर 5 एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंडराइटिंग, ऐसा कुछ होता है? ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपको नॉर्मलाइजेशन से होके गुजरना पड़ता है। अगर किसी शिफ्ट का पेपर डिफिकल्ट आता है और किसी शिफ्ट का पेपर इजी आता है तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। अब ये कैसे किया जाता है, तो नोटिफिकेशन में ही आपको नॉर्मलाइजेशन का सम दिया होता है। अगर आपके कोई फ्रेंड ने डिफिकल्ट पेपर सॉल्व किया है और आपने बहुत ईजी पेपर सॉल्व किया है और आपको उससे भी अच्छे मार्क्स मिले और उसको थोड़े कम मिले, लेकिन रिजल्ट आता है तभी आपको दिखता है कि उसके मार्क्स सबसे अच्छे है। क्यों? क्योंकि उनके सेशन में, उनकी शिफ्ट में क्वेश्चंस डिफिकल्ट आए थे। तो ये आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करके आए हो उस पर डिपेंड नहीं होता। फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है तभी आपको समझ में आता है कि कितने मार्क्स मिले हैं और कितने मार्क्स की मेरिट लगी है। So, ये हुआ है कि मेरिट 154 की भी लगी है, लेकिन एवरेज अनरिजर्व के लिए मार्क्स जो होते हैं फॉर बिहार, उत्तर प्रदेश 146, 145, 1 आउट ऑफ 150, ये एवरेज सबसे हाई कट ऑफ रहा है, ओके। स्पेशली चंडीगढ़ हो गया, कोलकाता हो गया, स्पेशली बिहार और यूपी में, इन स्टेट में तो हाई लगता है कट ऑफ एसएससी का, एमटीएस का हो, सारे ही एमटीएस के, सारे एसएससी के पोस्ट के, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आउट ऑफ 150 देखना है तो यहाँ पे हाई जो नंबर है वो केरला का आप देख सकते हो 116, यहाँ पे महाराष्ट्र का भी है, हम एसएससी एमटीएस के लिए देख रहे हैं। आप तमिलनाडु पोंडिचेरी का भी देख सकते हो, उड़ीसा का है 115, ओके। तो आंध्र प्रदेश का 23, तो इस प्रकार का कट ऑफ आप आंध्र, ये हवलदार का कट ऑफ देख रहे हो आप 2023 का ही। आंध्र प्रदेश में 108 का कट ऑफ लगा है, दिल्ली में 103 का कट ऑफ लगा है, ठीक है। और एमटीएस के सारे ही कट ऑफ आपके सामने है, एक बार आप देख लीजिए, अगर आपको चाहिए हो तो आप यहाँ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्टॉप करके। चलिए आगे देखेंगे हम 21 का कट ऑफ। तो ये जो कट ऑफ है आउट ऑफ 100 लगा है, 100 में से ये आपके मार्क्स मिले हैं। तो यहां पर भी आप देख सकते हो, देखिए हर एक स्टेट का नहीं बता सकती, ऐसे करूंगी तो हमारा लेक्चर घंटे भर का हो जाएगा, ये हम नहीं चाहते। तो यहाँ पे देखिए सबसे अच्छा झारखंड का है 54 है, आगे अगर आप देखो उत्तराखंड का 53 है, पंजाब का 56 है, तेलंगाना का 55 है, तो यही पे हाई कट ऑफ है, बाकी 35, 47, कर्नाटक का तो बस 29 है, तो कम कट ऑफ है, ज्यादा कट ऑफ है, ये डिपेंड करता है सेफ जोन, ज्यादा लोग कहाँ पर अप्लाई करते हैं, ज्यादा पोस्ट कहाँ पर निकली है, ओके। सेफ जोन होता है, एवरेज जोन होता है, डेंजर जोन होता है, एनटीपीसी में भी सेम
हाँ यही अप्लाई होता है। कभी कभी आप देखोगे चंडीगढ़ में बहुत ज्यादा मेरिट लगती है, चेन्नई में बहुत कम मेरिट लगती है। सो वंस अगेन पोस्ट पे डिपेंड करता है, कितने लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं उस पर डिपेंड होता है, पढ़ाई कैसी हो रही है इस पर डिपेंड होता है। ठीक है, सो वंस अगेन आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये 21 की कट ऑफ है, 2021 की स्पेशली एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ ही है यहाँ पे। ओके, यहाँ पर भी देखोगे तो 87, 91 इस तरह की मेरिट लगी थी इन ईयर 2021। ओके, याद रखिए ये आउट ऑफ 100 वाला पेपर था, अभी चेंज हुआ है, ये भी 21 की ही कट ऑफ है, हवलदार की है, लेकिन पिछली जो देखी वो एमटीएस की थी। तो यहां पे भी 51 हो गया वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में अच्छी जाती है कट ऑफ। ठीक है, तो तमिलनाडु में 51 है, तेलंगाना में 53 है, बाकी एवरेज 39, 38, 45, 29, तो कर्नाटका की हवलदार की भी कमी लगी है। ओके, सो आप देख लो, स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आपको रखनी हो अपने पास तो रुकवा के वीडियो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सो आगे हमें पेपर पैटर्न देखना है कि किस तरह से आपका पेपर होता है। वंस अगेन यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। चलिए, तो आप यहाँ पे मैथमेटिक्स देख सकते हो, जो 20 क्वेश्चंस और 60 मार्क्स के लिए आपका पेपर रहेगा। वंस अगेन आपको एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिल रहे हैं, और रीजनिंग के लिए भी आपको 20 क्वेश्चन ही है फॉर 60 मार्क्स, लेकिन ये आपको क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स आपके काउंट नहीं होते, आपको बस क्वालिफाई करना होता है, 12 क्वेश्चन सही लाने होते हैं। ओके, सो इसके लिए आप बस 25-30 टेस्ट पेपर भी सॉल्व करोगे मैथ्स का और रीजनिंग का, तब भी आपके लिए सफिशिएंट है। या आप बस रीजनिंग भी करोगे अच्छे से और आपका ज्यादा टाइम जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रिहेंशन पे दोगे तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़िया होगा। यहाँ पे आपको टाइम ज्यादा देने की जरूरत नहीं, क्वालिफाई आपको करना है बस यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे क्वालिफाई करते हो तभी ओके आपके मेरिट में नाम आएगी। तो यहाँ पे क्वालिफाई करिए और यहाँ पे अच्छा काम करिए। यहाँ पे आपको एटलीस्ट 3-3 आवर्स देने हैं, 6 घंटे तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, और यहाँ पे बस आपको पास होना है। कोशिश करिए 25-30 टेस्ट सीरीज भी आप सॉल्व करते हो रीजनिंग की और मैथ्स की, तब भी आपका ये क्वालिफाई क्लियर होने वाला है, लेकिन मार्क्स आपको यहां पर लाने हैं। ओके, सो वंस अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो 25 क्वेश्चन रह गए फॉर 75 मार्क्स, यहाँ पे भी 25 क्वेश्चन रह गए 75 मार्क्स। वंस अगेन यहाँ पे याद दिला दियो, 2 नहीं 3 मार्क्स मिलेंगे एक क्वेश्चन के लिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, याद रखिए, और हर एक सेक्शन के लिए आपको 45-45 मिनट्स ही मिलेंगे, और ये सेम डे, ऐसा नहीं होता कि आपको वहां से उठ के जाना है फिर आप आओगे पेपर देने के लिए, वहीं पे बैठे बैठे आपको दोनों पेपर देने होते हैं। ठीक है, याद रखिए। सो इस तरह से आपका एसएससी एमटीएस का पेपर पैटर्न होता है। ठीक है, 29 से एग्जाम है। सो आगे उसके लिए हमारे पास टेस्ट सीरीज है, आप देख सकते हो 170 प्लस टेस्ट सीरीज है, डिटेल सीबीटी एनालिसिस है। ओके, जो आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देते हो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे टेस्ट सीरीज बनाई गई है। वैलिडिटी जो है पूरे साल है, और स्पेशली एक सर्विसमैन रैंकिंग भी आपको वहां पे मिलेगी। हमारी जो टेस्ट सीरीज की प्राइस रहेगी, हमारे प्रोडक्ट की प्राइस रहेगी, वो रहेगी 699। हमारे ऐप पे जाइए और आप वहां पे डिटेल देख के बैच कोर्स परचेस कर सकते हो। ठीक है, ये डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको उसी में एसएससी एमटीएस और हवलदार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे, और आप सेक्शनल टेस्ट भी सॉल्व कर सकते हो। ये आपके लिए मैथ्स और रीजनिंग के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। आपको बस टेस्ट सीरीज ही सॉल्व करनी है मैथ्स रीजनिंग के लिए, क्वालिफाई है, आपको बस क्वालिफाई करना है, उसके मार्क्स काउंट नहीं किए जाएंगे। तो बस ये जो सेक्शनल टेस्ट है ये भी अगर 20-30 सॉल्व करते हो तो भी आपका रीजनिंग और मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, तो आप हमें 9136748767 पर कॉल कर सकते हो, या support@cgresettlement.com पर आप मेल कर सकते हो। कोई भी अगर डाउट हो आप हमें 9 to 6 PM में कोई भी डाउट पूछने के लिए कॉल कर सकते हो। फिर भी आपको कुछ पूछना है इमीडिएटली तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो के नीचे कमेंट में भी हम आपको रिप्लाई देते हैं, रिप्लाई में आपको आंसर मिलेगा। अगर हम रिप्लाई में नहीं दे सकते तो आप हमें कॉल कीजिए, हम आपको कॉल पे आंसर कर देंगे। थैंक यू सो मच।